उन्होंने कोई काम नहीं किया है और मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आप लोगों से, तो उनके साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उन्हें खत्म किया जाए। ही इज अ नेशनल हीरो। उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, ये बेबुनियाद इल्जाम उन पर लगाए जा रहे हैं और मैं इन्हें सिरे से खारिज करता हूँ। जो भी कुछ कह रहा है ये सब गलत है, कोई हमारे यहाँ कोई नहीं रहने आया, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, वो टूटी जो थी वो भी किसी की ऐसे कुछ नहीं था, जो उनके कागज थे वो सारे एविडेंस हमारे से पुलिस ने ले लिए हैं और रात में 2:55-2:30 बजे के आसपास मुझसे जबरदस्ती साइन कराए गए हैं उन लोगों, मेरे से और प्लाजनी साहब से दोनों ने जबरदस्ती साइन करवाए हैं। मैं उनसे कहता रहा कि सुबह जब ऑफिस टाइम होगा जो ऑफिशियल लोग आएंगे उनके सामने मैं साइन करूंगा सबके सामने, लेकिन वो नहीं माने और वो 8-10 लोग मेरे सामने 8-10 खड़े हो गए और उन्होंने ज़बरदस्ती करी कि मैं साइन करूं। भाई अरेस्ट मेमो तो उन्होंने साइन करवाए हैं, सेशन जो उनके साथ उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा संगीन है और वो फिर से खारिज करना चाहता हूँ मैं। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो भी हमारे मीडिया के लोग हैं वो हमारा साथ दें और हमें इस हम ये आपके भाई लोग हैं, ये साथ ही साथ आपके इंडस्ट्री के लोग हैं। हमें नहीं बता सकते, सुबह उन्होंने 11:30 बजे इस्लामिक सेंटर सामने लोधी रोड से उन्हें उनको गिरफ्तार किया गया, जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। वो 9:30 बजे 5 से 7 लोग हमारे घर पे आए, मेरे पापा साथ में थे, उन्होंने लैपटॉप हमारा डेस्कटॉप हमारे मेरे पापा का पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स PIB का कार्ड, वो 25 साल से PIB कार्ड होल्डर हैं, वो पार्लियामेंट हाउस लोकसभा प्रेस गैलरी के उनका उनके पास कार्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे से लेके चले गए क्योंकि हम हमारे पास कोई एविडेंस ना रहे उनको बचाने के लिए। हमारे यहाँ कोई रानी जाकर नहीं रुका, हमारे यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ बिल्कुल। आप जब पुलिस आपके पापा को लेके आई आपने उनसे कुछ पूछा? मैंने अरेस्ट कर रही हूँ, पुलिस का क्या कहना था? सेक्शन क्या लगाया आपको? मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने मुझसे बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपके पापा को 15 मिनट में भेज रहे हैं, आधे घंटे में। और जब हम स्टेशन गए हैं तो उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। जब हम एक बार अंदर घुसे तो उन्होंने मुझसे बताया कि ये सारी चीज़ें मतलब जो इस पे अरेस्ट मेमो पे साइन करो, जो 2:30 बजे मैं गया हूँ अंदर, उन्होंने बोला कि इस अरेस्ट मेमो पे साइन करो नहीं तो हम मतलब वो मेरे से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया है मेरे साथ ही और मेरे पापा के साथ ही। और अब तो ये हद हो गई है कि हमको मेरे पापा तो इन्वॉल्व हैं लेकिन हमारे रिलेटिव को भी तंग किया जा रहा है फ़ोन कर करके। स्पेशल सेल से हमारे रिलेटिव के पास फ़ोन आ रहे हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन के पीछे बुलाया जा रहा है और ये सब गलत हो रहा है हमारे साथ, प्लीज हमारे साथ दें। और वो इन्वेस्टिगेशन इंसान है, इज अ नेशनल हीरो जिन्होंने पूरी इराक वॉर कवर करी है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे एशिया से वो एक अकेला इंसान था जो पूरी इराक वॉर उन्होंने कवर करी है 2003 में।